सीकर का कुख्यात अपराधी राजू ठेहट लूट के दो मामलों में हुआ बरी। राजस्थान के सीकर जिले के कुख्यात अपराधी राजू ठेहट को लूट के दो अलग अलग मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। ठेहट के वकील हरीश कुमार ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने राजू ठेहट को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था। वर्ष 2002 में फतेहपुर सीकर मार्ग पर ठेके की लूट के मामले में और कारों की ढाणी में मतदान के दौरान ईवीएम मशीन लूटने के मामले में संदेह का लाभ देते हुए राजू ठेहट को आरोपों से बरी कर दिया गया। पेशी के चलते न्यायालय में भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। गौरतलब है कि राजू ठेहट की पूरे इलाके में दहशत है। वकील हरीश कुमार ने बताया कि दोनों मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि ठेहट इन वारदातों में शामिल था। उन्होंने कहा कि अभियोग पक्ष की ओर से दिए गए सबूतों से भी यह साबित नहीं हो सका कि ठेहट ने इन अपराधों को अंजाम दिया था या नहीं। ऐसे में माननीय अदालत ने साक्ष्यों को देखने और तमाम गवाहों को सुनने के बाद राजू ठेहट को बरी करने का फैसला सुनाया।